नमस्कार जी, मदन लाल वेल्डर इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI बगवाई गढ़शंकर ट्रेड वेल्डर। अज का साडा प्रैक्टिकल वीक नंबर 8 टॉपिक रहेगा साडा सिंगल वी वट ज्वाइंट ऑन MS प्लेट 12 mm थिक इन फ्लैट पोजीशन 1G SMAWU शील्डेड मैटल आर्क वेल्डिंग 1G ग्रूव बेल्ट। इस दे विच साडे वर्किंग स्टैप होणगे मेजरिंग एंड मार्किंग। सब तो पहला असी MS फ्लैट दे उपर मिणती करांगे ते उस तो बाद उस दे उपर मार्किंग करांगे। इस दे वास्ते सानू स्टील फुट रूल स्क्राइबर ते ट्राई स्केयर दी लोड़ पवेगी। उस तो बाद असी मार्किंग कीते हुए स्थान दे उपरों कटिंग करांगे अते कटिंग कीते हुए पीस दे एज प्रैपरेशन करांगे। कटिंग दे वास्ते सानू हैंड हैक्सा अते बेंच वाइस दी लोड़ पएगी। उस तो बाद असी एज प्रैपरेशन करांगे। कटे हुए पीसां दे उपर सिंगल वी बनाई जाएगी। हरेक पीस दे उपर 30 डिग्री दा एंगल बनाया जाएगा। उस दे नाल दोहां नू प्लेटां नू जोड़ के टोटल 60 डिग्री वी एंगल जड़ा ओ बनेगा। इस जॉब नू बनाने दे लई इस तरह इस नू बनाया जाएगा। इस दे विच 3 लेयरां लगाईयां जाणगियां। उस तो बाद ये जड़े पीस कटे हुए हन उसनू असी टैकिंग करन वास्ते वेल्डिंग टेबल दे उपर लैके जावांगे। उस तो बाद सिलेक्शन ऑफ इलैक्ट्रोड एंड करंट सैटिंग मोटाई दे अनुसार असी इलैक्ट्रोड सिलेक्ट करांगे। इलैक्ट्रोड 3.15 mm डाय दा सिलेक्ट कीता जाएगा। उस दे लई असी वेल्डिंग मशीन दे उपर 110 ampere करंट सैट करांगे। इस दे नाल असी दित्ती हुई ड्रैंग दे अनुसार टैकिंग करांगे। टैकिंग पीस दे दोनों सिरियां दे उपर कीती जाएगी। उस तो बाद सैटिंग ऑफ जॉब ऑन वेल्डिंग टेबल। वेल्डिंग टेबल दे उपर असी सैटिंग डाउन हैंड पोजीशन दे विच वेल्डिंग करन दे वास्ते जॉब नू सैट करांगे। इस दे वास्ते डाउन हैंड पोजीशन दे विच इस तरह दे नाल इस नू सैट कीता जाएगा। उस तो बाद असी वेल्डिंग करांगे। वेल्डिंग दे विच 3 लेयरां लगाईयां जाणगियां। फर्स्ट लेयर, सैकेंड लेयर, थर्ड लेयर। उस नू असी इस प्रकार लगावांगे। फर्स्ट लेयर रूट रन होएगा। उस तो बाद सैकेंड लेयर जड़ी आ हो इंटरमीडिएट रन होएगा जा सैकेंड लेयर होएगी। इस लेयर नू हॉट पास भी कहा जाता है। उस तो बाद फाइनल कवरिंग लेयर लगेगी जिन्हों के थर्ड रन कहा जाता है। इस प्रकार असी जॉब नू कंप्लीट करन तो बाद उसकी फिनिशिंग करांगे। फिनिशिंग दे लई असी चिपिंग हैमर टोंग दा इस्तेमाल करांगे अते उस दे नाल वायर ब्रश दे नाल जॉब दी सफाई करांगे। सफाई करन तो बाद असी ए इंश्योर करांगे कि साडी जॉब फ्री फ्रॉम फॉल्ट होवे। उस दे वास्ते असी सारियां चीज़ां दा ध्यान रखांगे ते नाल दी नाल असी सेफ्टी लैदर किट्स जिस दे विच लैदर हैंड ग्लव्स हत्थां दे बचाव दे लई लैदर एपरन शरीर दे बचाव दे लई लैदर शूज पैरां दे बचाव दे लई अते लैदर कैप सिर दे बचाव दे लई इस्तेमाल करांगे ते नाल दी नाल असी वेल्डिंग स्क्रीन दा इस्तेमाल करांगे जिस दे विच कलर्ड ग्लास जां वेल्डिंग ग्लास होणगे। ते इस तरह असी इस सारी जॉब नू कंप्लीट करांगे। जॉब बनांदे वक्त इलैक्ट्रोड एंगल विद बेल्ट लाइन दे नाल 80 डिग्री रखिया जाएगा। ते इस तरह रखदे होए असी राइट साइड तो लेफ्ट साइड वाल नू वेल्डिंग करांगे।
ते आ जाओ असी वेल्डिंग करन दे वास्ते वर्कशॉप दे विच चलदे हां। चलो एम एस फ्लाइट दे उपर असी 150 मिलीमीटर दे उपर निशान लगावांगे, सक्रैबर की मदद दे नाल निशान लगाया जाएगा। तो इस निशान नू असी गूढ़ा करांगे, गूढ़ा करन तो बाद इस नू कटिंग करन दे वास्ते बेंच वाइस दे विच ग्रिप करांगे। बेंच वाइस दे विच ग्रिप करन तो बाद असी हैंड हैक्से की मदद दे नाल इस नू कटांगे ते हैंड हैक्से की मदद दे नाल इस नू कटिया जाएगा। कटन दे लई असी लगातार हैंड हैक्सा चलावांगे, इस प्रकार इस दे दो पीस कटांगे। कट लाए गए हैं जी, हूँ इसकी अज प्रेपरेशन करा। सब तो पहला इस राइट एंगल दे करा, इस बेंच बाइस के बन के फाइल के नाल इस राइट एंगल किया जाऊगा। राइट एंगल करन तो बाद इस दे उपर बैवल बनाई जाएगी। दोनों पीसा दे उपर बैवल बनाने दे लई असी रेती का इस्तेमाल करांगे। इस प्रकार इहदी बैवल बन गई है। इन्हां दोनों पीसा नूं असी जोड़ के इस प्रकार सिंगल बी दा ज्वाइंट लगावांगे। हुण असी इस नूं टैगिंग करन दे लई वेल्डिंग टेबल दे उपर चलदे हाँ। इस दे विच 3.15 दा इलैक्ट्रोड असी होल्डर दे विच ग्रिप कर लिया है। वेल्डिंग मशीन दे उपर असी 110 एम्पीयर करंट सैट कर लिया है। हुण असी टैगिंग कर रहे हाँ, इस प्रकार टैगिंग कीती जाएगी। जॉब के दोनों सिरों के उपर एक मजबूत टांका लगाया जाएगा। ये टांका लग चुका है जी। हुण इस दे उपर असी सब तो पहला रूट रन लगावांगे। रूट रन लगाने दे लई असी 80 डिग्री का इलैक्ट्रोड का एंगल रखांगे। हुण असी कवरिंग लेयर थर्ड लेयर लगा रहे हैं। थर्ड लेयर कंप्लीट हो चुकी है। हुण असी इसकी फिनिशिंग करांगे। फिनिशिंग करन दे वास्ते इस नूं टोंग दे नाल पकड़ांगे। टोंग दे नाल पकड़न उपरंत इस दे उपरों स्लैग उतारांगे चिपिंग हैमर दे नाल। चिपिंग हैमर दे नाल स्लैग उतार रहे हैं। इस दे नाल असी स्पैटर भी रिमूव करांगे। सफाई करन दे वास्ते असी बार ब्रश का इस्तेमाल करांगे। ये साड़ी जॉब बन के तैयार है जी। सिंगल बी वट ज्वाइंट ऑन एम एस प्लेट 12 mm थिक प्लेट के उपर ग्रुप बेल्ट असी लगा दिता है जी। सो इस वीडियो के नाल तुहानू बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद जी।